नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर सुरेश रैना एक विवाद में फंस गए। दरअसल सुरेश रैना तमिलनाडु प्रीमियर लीग में कमेंट्री कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चेन्नई की परंपरा और उच्च जाति के साथ अपनी बराबरी कर दी, जिसके बाद सोशल साइट्स पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल एक कमेंटेटर ने रैना से चेन्नई शहर के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में रैना ने कहा, मेरे ख्याल से मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं चेन्नई में 2004 से खेल रहा हूँ। मुझे अपनी परंपरा और साथियों से प्यार है। मैंने अनिरुद्ध, श्रीकांत, सुब्रमण्यम, बद्रीनाथ, लक्ष्मीपति बालाजी के साथ खेला। CSK में हमारा प्रशासन अच्छा है और हम खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुझे वहाँ की परंपरा अच्छी लगती है और मैं भाग्यशाली हूँ कि CSK का हिस्सा हूँ। रैना के ऐसा कहते ही सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहस छिड़ गई। सुरेश नाम के एक यूजर ने उनके लिए लिखा, सुरेश रैना, आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लगता है आपने कभी असली चेन्नई परंपरा का अनुभव ही नहीं किया, भले ही आपने चेन्नई टीम के लिए कई साल तक खेला। वही एक यूजर ने लिखा, क्या बात है रैना सर, आपको उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु प्रीमियर लीग की शुरुआत सोमवार से हुई, जहां लाइका कोवई किंग्स और सलीम स्पोर्ट्स के बीच पहला मैच खेला गया। इस दौरान रैना ने चेन्नई से अपने जुड़ाव को जाहिर करने के लिए ये बात कही थी। उनका मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिससे तमिल परंपराओं को ठेस पहुंचे।